गुरु कृपा संस्थान एवं अखिल भारतीय क्रांतिकारी संघर्ष मोर्चा के संयुक्त तत्वधान में 1.25 लाख से एक लड़ाऊं चिड़ियन ते मैं बाज तुड़ाऊं तबे गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं का उद्घोष करने वाले सिखों के 10वें व अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह की बुधवार को 355वीं जयंती हर्षोल्लास पूर्वक प्रकाश उत्सव के रूप में महानगर स्थित शास्त्री चौक पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके मनाई गई। इस दौरान गुरुद्वारा प्रबंध समिति जटाशंकर के अध्यक्ष जसपाल सिंह ने गुरु कृपा संस्थान एवं अखिल भारतीय क्रांतिकारी संघर्ष मोर्चा संगठन के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों को गुरु गोविंद सिंह के 355वीं जयंती पर नमन कार्यक्रम के आयोजन पर बधाई देते हुए कार्यक्रम संयोजक ब्रजेश राम त्रिपाठी को अंगवस्त्र सिरोहा तथा गुरु गोविंद सिंह का चित्र भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर कार्यक्रम में मुख्य रूप से सरदार रघुवीर सिंह, प्रेमनाथ सिंह, गगन सहगल, मुकेश गुप्ता, अभिषेक सिंह बिट्टू, रमन सिंह, आशीष राज पांडे, शिव कुमार मल, मनीष प्रताप सिंह, विश्वजीत यादव और अनुभव पांडे सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गुरुद्वारा प्रबंध समिति जटाशंकर के अध्यक्ष जसपाल सिंह ने कहा, जसपाल सिंह अध्यक्ष गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जटाशंकर गोरखपुर। दशम गुरु पाश्चात श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज संत सिपाही जी का यहाँ पर प्रकाश पर्व मनाने यहाँ पर हम सब एकत्रित हुए हैं। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने धर्म की रक्षा के लिए अपने पूरे परिवार का बलिदान किया है और स्वयं भी बलिदान दिया है, तो हम सबको उनके बलिदान को याद रखते हुए अपने धर्म की रक्षा के लिए सबको मिलजुल कर ये प्रकाश पर्व मनाने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। धन्यवाद। हाँ जी, ये प्रथम प्रयास यहाँ पर किया गया, जिन लोगों ने प्रयास किया गया है गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जटाशंकर उनका सम्मान कर रही है, उनको धन्यवाद कह रही है। और हम सब चाहते हैं कि सिर्फ ये सिख पंथ का त्यौहार नहीं, ये पूरे समुदाय का त्यौहार है, पूरे देश का त्यौहार है, क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह ने प्राण त्याग किया था। इसलिए हमने आप सबसे इनसे को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। इनको निवेदन करते हैं कि प्रतिवर्ष यहाँ पर छोटे रूप से आज कार्यक्रम शुरू हुआ, लेकिन एक बृहद रूप में पूरे गोरखपुर को मिलकर ये त्यौहार मनाना चाहिए। गुरुद्वारों से बाहर भी निकल के जब सब समाज के लोग त्यौहार मिलाएंगे तो हमको बहुत खुशी होगी, गुरु गोविंद सिंह की भी प्रसन्न होंगे। धन्यवाद।